नगीना रानी, मैं तुझसे जितनी बात पूछ रहा हूं मेरे बात का सही सही जवाब देना और झूठ बोलने की कोशिश मत करना। चल बता की बात क्या है। मेरे बाबू जी को मार करके मेरी भाभी माँ के ऊपर जुर्म लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही? चलो साफ साफ बता की बात क्या है। चल साफ साफ बता बेटवा सतीश। हम भगवान भोलेनाथ कसम खाए कहा था राम और राम बेटवा हो। तोरे बाबू मारे वाला दूसर क्यों नहीं? तोर भौजाई मंजू आ जाई है। हम केहू बताई बात नहीं बताओ थे बेटवा सती। हम खून करत अपने आंखों देखी हाल बताओ थी। तोर भौजी मारे तोरे बाबू गिरे। तो मेरे बाबूजी का कत्ल होते हुए मैंने अपने आंखों से देखा था। नगीना रानी, मैं तेरे बात को मानता हूं कि मेरे बाबूजी का कत्ल मेरी भाभी ने किया है। लेकिन एक बात तू ये बता कि तूने रंजीत को क्यों मारा? क्या गलती किया था वो मासूम बच्चा? कौन सा काम करने के लिए तूने कहा जो उसने किया नहीं? क्या गलती किया था? चलो बेटवा सतीश, जब रंजीत के मम्मी पुलिस वाले लगे जेल में बंद कर दिए, हम रंजीत नाती सी कहे रंजीत नाती, देखा दोस्ती घरे काम से कोनो मतलब नहीं है। तू पढ़ा लिखा था बेटवा, तू अपन पढ़ाई लिखाई पूरी करा, लेकिन केवल घरे में तू खाना बना। हाँ बेटवा, हम खाना बनवे कहे झूठ ना बोलब। हम कहे केवल घरे में खाना बनाए लिया, बर्तन साफ कर डाया, कपड़ा ओढ़ना धो लिया अपना हमारा। ऐसी जब फुर्सत पाया, भले हम जवान ही है लेकिन है रंजीतवा की दादी। हम कहे रंजीत नाती, जब सब काम का एक फुर्सत पाए बेटवा, तनिक हमार हाथ पांव दबाए दिया। आखिर कहा गलत कह दी महारानी गाले, घरे काम करे लाए नहीं ना, योगी के साले छुट्टा घूमत बा हराम खोर। नगीना रानी, तुम्हारे बताने के अनुसार इसमें सरेआम पूरी गलती हमें रंजीत की दिखाई दे रही है। तुमने रंजीत को खाना बनाने के लिए कहा? बेटवा खाना बनवा कहे झूठ ना बोला। बर्तन साफ करने के लिए कहा? हाँ बर्तन साफ करे कहे। और कपड़ा धुलने के लिए कहा? अरे कहे था, ते कहे चाहता, ते बता।
जब सारा कमवा उ कैले त का तू बुजरो हियां बैठे बैठे नहीं आती। आज अपने उस मासूम नाती को खाना बनाने के लिए कह रही है, बर्तन साफ करने के लिए कह रही है। इन सब जब कामों से फुर्सत पा जाना तो वा करके महारानी जी का हाथ पांव दबा देना, जगह पर ला कर दे देना इनको खाने के लिए। अब पेल ले हो जाए रेडी, चलाए गली गली सुगरियन की नहीं लुक लुकाए। नगीना एक बात कान खोल करके सुन, आज तो तुमने रंजीत की तरफ निगाहें उठा कर देख लिया, अगर आइंदा तुमने रंजीत की तरफ निगाहें उठा कर देखने की कोशिश किया तो मैं तेरी दोनों आंखें निकाल करके बाहर रखूंगा। दूसरी बार नहीं, मैं आज ही आप अपनी भाभी मंजू की जमानत के लिए जा रहा हूं। रुके, जमानत के लिए? कावा जमानत रे? कावा जमानत मतलब हम नहीं समझ पाए, का भाई जमानत का मतलब नहीं जानती? नहीं। तो बहुत बड़ी नेताइन बनाती, जमानत का मतलब ही नहीं मालूम। जमानत का मतलब यही कि मैं आज ही आप अपनी भाभी मंजू को पुलिस वालों के हाथों से छुड़ाने जा रहा हूं। काहे बिना रे कवाना का जाए मंजू और अंडी बिना तुम्हारी है खटहवा मुंह देखे बिना काज होता है। अकेले रहे घर में, चलो मैं अपनी भाभी की जमानत के लिए जा रहा हूं। अगर मेरी भाभी ने जुर्म कबूल कर लिया तो कोई बात नहीं, अगर हमारी भाभी ने जुर्म कबूल ना किया नगीना, अगर हमारी भाभी ने जुर्म कबूल ना किया नगीना तब तू जैसे हमारे बाबू को कटवाए बाटू वैसे हम तो काट फेंक दिए। मावा समझू नहीं, आज हम गए गीत गावन सुनावा ताता रे। मावा हो गए रहे प्रयागराज कुंभ मेला, प्रयागराज कुंभ मेला गए रहे और दुनो परानी गए रहे, मतलब दुनो परानी गए रहे। हां दुनो परानी गए गए वहां नागा देखई का नदी गाड़ू नाही माई स्नान ध्यान करे गए रहे। अरे मावा अब पैदल ही जात रहे ते मेहरारू कहा है कुछ सुनावा चलता रास्ता कट जाता है। एकदम सही काम करे मेहरारू खुशी के है, लेकिन हाँ। तुम्हारी फैसला करे बा जी, तू हमारे हाथ बोले जी और केहू के हाथ बोले, हाँ। एकदम सही फैसला करे एकदम। बताओ का रंजितवा घरे काम करे लाए नहीं बात है, घरे काम करे लाए बा कि नहीं कराई लाए तो हो गया है मावा। अगर अंदर नहीं कह सका था कम से कम बाहर बाहर तो कर ले। ये हम पूछे रे कि अंदर कहीं पाए कावा अंदर बाहर रे
समझू नहीं घर घरे के अंदर के काम नहीं कर सका था तो कम से कम बाहर के काम तो कर सका था। कैसे? जैसे कि बाजार हार चला जाए, साग सब्जी ला दे, दुकान चला जाए, कोनो सामान लेके चलावे, सौदा सुलुम ले आई दे, सौदा सुलुम लेके चलावे। फिर हम कहा तही मावा कमावई का रहा था। अरे बहुत काम रहा था रे। हम कहा तही जब घर के सारा कमवा रंजीत भैया करी है तो एक का करे आया का कहे रे। हाँ जब घर के सारा कमवा रंजीत भैया करी है तो एक का करे आया सीधे नहीं बतावा कि हम का करे आई है। हम का करे आए? अरे हम मान लेते तू घर के नौकर है। काई है नौकर काम है बेचारा सारा काम घर का अकेले करे घर के मन है कुछ काम कर ले चाहिए। आते ही कमवे का रहा था हो सुबह 4 बजे झाड़ू पोछा हम करी कोयर काट के हम लेके आई साग सब्जी हम लेके आई नाश्ता पानी हम बनाई तक तो होका नहाए खातिर पानी हम भरी ये सब तो छोड़ा मावा यहीं तक तो हाय गोबर हम निकाली रंजीतवा कहे पे सतीशवा महारानी गाड़ा हमें मारस गाड़ी रहे केवल समय का इंतजार करूंगी बस। इस घर में मौके की तलाश करूंगी मौका मिल जाने पे समय मिल जाने पे अगर सतीशवा हराम खोर इस मार का बल्ला ना चुका ली तो नगीना रानी कुछ ना की रहे कुछ ना तो चौकीदार नहीं दिखाई देता है कहां पर चला जाता है कोई पता नहीं। क्या बे चौकीदार सर सलूट ऐसे मारा जाता है बे? सर मैं बराबर मारा सर। क्या बराबर मारा सारे सलूट सर सलूट अभी तो मेरा सर फोड़ देता। सर फूट जाता है गलती हो गई सर। चौकीदार सर पहले तुम्हें बताओ हाँ। थाने में हमको पहले आना चाहिए तुझे सर थाने में तो पहले मुझे आना चाहिए सर। कहाँ थे तुम इतनी देर? जानवर चरा रहा था। जानवर? जी सर। कौन जानवर साले? 45 जानवर का मालिक हूँ सर। तुम 45 जानवर? तुम्हारे पास 45 जानवर है? हाँ। तो इसका मतलब बहुत बड़ा आदमी है ना तू? बहुत गरीब आदमी हूँ छोटा इंसान हूँ। क्यों बे चौकीदार भोसड़ी के एक चक्कर कह रहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ मेरे पास 45 जानवर है और चक्कर कह मैं छोटा हूँ ये क्या है? गरीब आदमी हूँ सर। गरीब हो? हाँ। 45 जानवर रखे बोल रहे बता रहे कि गरीब आदमी हूँ। खेती कितनी है तुम्हारे? खेत कितना है तुम्हारे? खेत नहीं है सर। खेत नहीं है तो सारे खाते क्या है रोटी के? अरे सर खाने की तो बात छोड़ो जब मैं 4 बजे उठता हूँ तो केवल ऐसे डाड़ा खोलता हूँ डाड़ा ऐसे रस खींच ले ऐसे खर 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 ऐसे नहर पकड़ा दे इसी सर ऐसे जवान जवान आइटम खाते हैं सर। सारा जात का है पासी। हाँ, हाँ सर। देखो चौकीदार सर, सर जो महिला मान की रूप श्रीम है जी सर मंजू उसे लेके आओ उसे जीडी भर के चालान करना क्योंकि उसके घर से कोई आया नहीं जा लेके आओ।
पहला मुर्गी पेश है। कौन पहला मुर्गी पेश है बे? ये पहला मुर्गी है ना सर। चौकीदार, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया बे? ये पहला मुर्गी है। हाँ सर, ये पहला मुर्गी है सर। साला, अबे महिला मुजरिम है कि पहला मुर्गी है? हाँ, बैठ जाओ वहां पर तुम। नमस्ते सर। हम तुम्हारा नमस्ते ओली बिछावना लगाऊं? आए दिन बड़े साहब मुझे डांटते रहते हैं, अभी मैं परेड कर रहा हूँ। सर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना काम कीजिए। आगे कैसे काना हुआ? काना नहीं, बहिरा हो गया हूँ। धीरे बोलो, धीरे। काय के लिए धीरे बोलूं? ये थान है, थान। थान नहीं, यहाँ सब शैतान है। पागल ओगल हो क्या यार? तुम्हें कहना चाहिए कि कहिए कैसे आना हुआ। ये थान नहीं बल्कि इसे थाना कहा जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सतीश कुमार है। तो तुम्हारा ही नाम छत्तीस कुमार है? छत्तीस नहीं तो 42 कुमार है। सतीश कुमार कह रहा हूँ। सतीश कुमार जी, तुम कहाँ के नवासी हो? नवासी नहीं हूँ, 90 हूँ। पागल कर दोगे यार। निवासी? हाँ हाँ, निवासी। मूल स्थान? हाँ, मूल स्थान ललितपुर ग्राम सभा। लेकिन आप कौन? हम इस थाने के छेउकी दाल हूँ। अरे थे आज हम तोहका बघारी दाल बना गए। छेउकी दाल है, चौकीदार बोला जाता है। हाँ, हाँ, चौकीदार। देखिए चौकीदार, हाँ। मुझे बड़े साहब से मिलना है। बड़े साहब से मिलना है? हाँ। आप चलिए, मैं मिलवा दे रहा हूँ। चलो। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या बात है? सर मेरा नाम सतीश कुमार है। हाँ बोलो। ललितपुर गांव का रहने वाला हूँ सर। हाँ। सर बोलिए। आपके पुलिस स्टेशन में एक महिला मुजरिम आई हुई है जिसका नाम मंजू है सर। हाँ। वो हमारी भाभी है। तुम्हारी भाभी? जी सर, मैं उन्हीं के विषय में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते?
ये मेरी भाभी मंजू के जमानत के कागजात हैं सर, जो कि इस कागजात को मैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आ रहा हूँ। आप इसको देख लीजिए और बाकी के जो दिल में आए सो कीजिए सरकार। सर एक बात समझ में नहीं आई सर। क्या बात नहीं समझ में आई तुम्हारी? ये सुवरी कोर्ट कहाँ है सर? सुवरी कोर्ट कहाँ है सर? उसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है जो दिल्ली में है। सुवरीन कोर्ट कह रहा है साला। सुप्रीम हाँ? हम सोचे सुवरी कोर्ट है। चौकीदार एमए लिखा का पढ़ावा? चौकीदार तुम्हें कहना चाहिए सर, पर ये इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है?